हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन पढ़ाएंगे। बच्चों, प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका और इजी भी आपको हम बता दे रहे हैं। इजी में अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका परिभाषा लिखोगे, प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर लिखा जाता है, यानी जो नाउन के प्लेस पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखे हैं राम इज अ बॉय, और जब राम का नीचे हम लिखे हैं ही इज अ बॉय, यानी राम क्या है, ये एक नाउन है, संज्ञा है, और उसका प्लेस में उसका जगह में हम ही लिखे हैं, और ये ही हो गया मेरा प्रोनाउन। यानी जब लड़का रहेगा तब उसके जगह में आपको क्या लिखना है, ही लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सीता इज अ गर्ल, ये सीता क्या है, एक नाउन शब्द है, और उस नाउन का जगह में हम लिखे हैं सी इज़ अ गर्ल, सीता के जगह में हम सी लिखे हैं, यानी ये हो गया प्रोनाउन। तो जब गर्ल्स रहेगा, लड़की रहेगी, तो वहाँ पर आपको सी लिखना है, और जब लड़का रहेंगे तो आपको लिखना है ही। उसी तरह और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इट इज़ माई बुक, यहाँ पर इट क्या हो गया, प्रोनाउन। इसी तरह आई यू सी ही, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। तो चलिए कुछ प्रोनाउन के और भी हम उदाहरण एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई मी माइन माई सेल्फ, वी आस आवर्स आवर सेल्फ्स, यू योर्स योर सेल्फ योर सेल्फ्स, यानी ये यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही आता है। ही हीम हीज हिम सेल्फ, सी हार हार्स हार सेल्फ, ईट ईट इट्स इट्स सेल्फ, दे देम देयर्स देम सेल्फ। अब बच्चों आप यहाँ पर समझिए कि आई माई माइन ये सब क्या है, सिंगुलर है, और वी आस आवर्स ये सब क्या है, प्लूरल है। यू यू योर्स, ये यू और योर योर्स ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही आते हैं। ही सी ईट हार हीज हिम ये क्या है, सिंगुलर है। दे देम देयर्स देयर्स ये क्या है, प्लूरल है। जितने भी जैसे माई सेल्फ, जो सेल्फ लिखा हुआ है बच्चों वो सिंगुलर के लिए है, और जहाँ पर सेल्फ लिखा है, आवर सेल्फ योर सेल्फ देम सेल्फ, जहाँ सेल्फ है वो क्या है, प्लूरल के लिए होता है। ही हीम और हीज, ही हीज हीम ये होता है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, और सी हार हार्स फेमिनाइन जेंडर के लिए, ईट और ईट्स न्यूट्रल जेंडर के लिए, आई वी यू योर आवर आश ये बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों के लिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ही सी वी आर यूज फॉर पीपल्स, ये पीपल्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ही इज माय ब्रदर, सी इज माय सिस्टर, यहाँ पर ही क्या है,
प्रोनाउन है, और यहाँ पर सी क्या है, प्रोनाउन है, ये पीपल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। इट का यूज़ एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ माई बुक, ये इट हो गया प्रोनाउन। इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन, यहाँ पर भी इट हो गया प्रोनाउन। ये कोई भी एनिमल्स के लिए भी हो सकता है या थिंग्स के लिए इट का यूज़ होता है। यानी बच्चों, आई यू सी ही इट, इसका यूज़ वन पर्सन के लिए होता है, ओनली वन पर्सन के लिए। लेकिन वी इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन, यानी वी का यूज़ मोर देन वन पर्सन यानी एक से ज़्यादा पर्सन के लिए होता है। प्लूरल के लिए वी का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ऑल लव म्यूज़िक। नेक्स्ट देखिए, दे इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन एनिमल और थिंग्स। दे का यूज़ भी एक से ज़्यादा पर्सन एनिमल्स या थिंग्स के लिए होता है, यानी प्लूरल के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर माई फ्रेंड्स, यानी वी दे एक से ज़्यादा पर्सन एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है। लेकिन आई सी ही ईट, इसका यूज़ ओनली वन पर्सन या ईट का यूज़ वन एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पर वी ये हो गया प्रोनाउन, और यहाँ पर दे हो गया प्रोनाउन। तो बच्चों, आप जान गए कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ईट यू दे वी ही सी एट्सेट्रा, ये सब प्रोनाउन होता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको प्रोनाउन समझा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।